हाँ ये सी याद दिलाना पड़ता है यार, दिलाया करो यार, मैं एकदम ऐसा गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, खैर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखेंगे भाई। सॉल्व करो, बढ़िया आराम से सॉल्व करो, टाइम लो अपना, आराम से टाइम लो। सिलोजिज्म का मतलब 1 मिनट मिनिमम लेकर जाएगा, एकदम मिनिमम 1 मिनट दो उसको, आराम से टाइम दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, गड़बड़ नहीं करना। ऑल गोल्ड आर प्लैटिनम, बढ़िया, तो प्लैटिनम के अंदर गोल्ड है। नो प्लैटिनम इज सिल्वर, सिल्वर सर ऑप्शन, बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सम डायमंड्स आर सिल्वर, तो डायमंड का इस वाले डब्बे के साथ कोई रिलेशन नहीं दिया है, लेकिन डायमंड और सिल्वर में थोड़ा सा इंटरसेक्शन। सम डायमंड्स आर गोल्ड नहीं कह सकते, सम डायमंड्स आर प्लैटिनम नहीं कह सकते, सम गोल्ड आर सिल्वर नहीं, नो सिल्वर इज गोल्ड। हाँ ये बात तो सही है, ठीक है। ओनली वन फॉलोस, नहीं 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 नहीं, क्यों भाई, ओनली फोर फॉलोस, ऑप्शन थ्री होगा। कोई बोल सर पर फोर तो है ही नहीं, है ना बेटा, ध्यान से देखो, देखो ध्यान से देखो, यहाँ है, मिला सर, वो कंफ्यूजन हो गया था पहले इसलिए। यस सर, अच्छा ओके ठीक है ठीक है, ओके समझ गया समझ गया, वो एंटर मारना भूल गया हमारा टाइपिस्ट भाई, वहां है ना, चमक गया। अभी ठीक है, अभी ठीक है, अभी ठीक है, एवरीवन बढ़िया 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 बढ़िया, आराम से नेक्स्ट क्वेश्चन करो। यार इतना लेट क्यों आ रहे हो यार, ऐसा मत करो यार तुम लोग, यार 10 मिनट लेट मतलब यार मजाक एकदम। All liquids are solid, ठीक है, तो solid के अंदर हैं सारे liquid. Some solids are gases, कुछ solid जो है वो gases है। अब gas का भी liquid के साथ अभी तक तो कोई relation नहीं दिया। All gases are cloud, जितनी भी gases हैं वो सारी की सारी कहाँ है, cloud है। Some clouds are solid, बात सही है, ठीक है। Only one and four follows. Some clouds are liquid, इसके बारे में मेरे पास कोई एविडेंट नहीं है। Some gases are liquid, कोई एविडेंस नहीं है। Some solids are cloud, सही है। तो only one and four follow, option number four, क्या बात है यार तुम लोग सही खेल रहे हो, बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत, और आराम से, मैं जानबूझ के जल्दी नहीं कर रहा बेटा, सिलोजिज्म को टाइम देना है, ये टाइम लेने वाला क्वेश्चन है, इसको जल्दी नहीं करना, जल्दीबाजी में गड़बड़ी हो सकती है, ये टाइम मांगेगा, इसको टाइम दो, आराम से बात। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, बढ़िया टाइम है। अब मैं एक एक व्यक्ति से बात करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है ओके। तो जैसे कि हर्षित, क्या आप अनम्यूट कर सकते हो बेटे,
करो भाई अनम्यूट नहीं कर रहा, हर्षित का मन नहीं अनम्यूट करने का। ठीक है, ये सब तो गड़बड़ बात है ना यार, मजे नहीं आएगा ऐसे में तो। चलो पायल बच्चे अनम्यूट कर सकते हो, नहीं कर रहे, चल कोई बात कोई बात कोई बात कर सकते हो। अरे वाह यार कितना सही है। हाँ बेटा बोलो। सो आप क्या कहना चाहते हो जीवन में कि सर ऐसा है, सम आईज आर ईयर्स, हाँ है ना, राइट, सम ईयर्स आर लंग, ये नहीं बोला है कि लंग और आईज में अभी कोई काउंट है, ठीक है ना, ऑल लंग्स आर हैंड्स, राइट, ये सुनो, बढ़िया। तो दुनिया क्या कहना चाहती है, सम हैंड्स आर आईज, हैंड और आई के बीच में कोई संबंध नहीं दिया हुआ है, सम हैंड्स आर ईयर्स, हाँ बिल्कुल ये बात सही है, सम लंग्स आर आईज के बारे में कोई रिलेशन नहीं दिया हुआ है, नो हैंड इज आई, ये गलत बात है, ठीक है, तो ओनली टू फॉलोज, बहुत सुपर, राइट पायल, सही है ना सर। बट सर मुझे ये नहीं समझ में आया कि मैम ऐसा क्यों बोल रही कि नो हैंड इज आई, क्योंकि सर आई और अभी जो बोल, पहली बात तो जब बोलो तो ऐसे बोला करो सर आस्था, फिर उसके बाद बोला करो, ठीक है, हाँ बोल तन्मय सर। सर अगर कुछ आईज ईयर्स है और कुछ हैंड्स भी ईयर्स है, तो सर जो आईज ईयर्स है वही आईज हैंड्स नहीं हो सकते, तो लेकिन उसके बारे में सबूत कहाँ है, सबूत है क्या, देखो मान लो आठ, लेकिन आठ आईज ईयर्स है वही आईज, नहीं नहीं ऐसा ऐसा नहीं, आठ ईयर्स है उसमें से दो ऐसे हैं जो आईज हैं, ठीक है, और तीन ऐसे हैं जो लंग्स हैं, वही हैंड भी हैं, क्या बोलते हो, समझ में आया, तो ऐसा जरूरी नहीं है ना कि ये दोनों भी इंटरसेक्शन हो, जब तक लिख के नहीं दे रहा तब तक एविडेंट नहीं है, एविडेंस होना चाहिए उसको, ठीक है, हम अजम्पशन नहीं करेंगे बेटा, लॉजिज्म में कुछ भी अज्यूम नहीं करेंगे, जो लिखा हुआ है उसी पर बात होगी, वेरी गुड तन में, बढ़िया। हाँ अब बोलो फिर से, कोई और बोलने वाला था अभी, लंबा एक सर बोला। सर मुझे डाउट था कि ये फोर्थ वाला जो सर स्टेटमेंट है नो हैंड इज आई सर, क्योंकि बोला है कि सर ईयर और सर लाइक कोई रिलेशन, सर हम लोग कैसे बोल सकते हैं कि इसमें कोई रिलेशन नहीं है। देखो नो हैंड इज आई का मतलब ये है कि है कि नहीं, मैं नहीं बता सकता इसको, कॉन्क्लूड नहीं, मुझे कॉन्क्लूड करना है ना, और कॉन्क्लूड करने के लिए मुझे चाहिए प्रूफ, आया ना, एविडेंस चाहिए मुझे, क्या चाहिए, एविडेंस, एविडेंस नहीं है मेरे पास, एविडेंस के अभाव में मैं इस बात पर कोई भी कमेंट नहीं कर सकता कि आईज का ईयर्स के अलावा किसी और के साथ लेना देना है, समझ में आया, ठीक है, वेरी गुड, हाँ हाँ बच्चे बोलो बोलो बोलो। तो सर हम खुद से इंटर रिलेट नहीं कर सकते इसमें, नहीं खुद से, वही सिलॉजिज्म में कुछ भी ऐसे तो ये आपस में रिलेटेड ही नहीं है, एक भी चीज रिलेटेड है क्या, नहीं ना सर। हाँ बेटा बोलो सर, आई एम कॉन्शियस सर, मेरा डाउट ये है कि जो सर फर्स्ट स्टेटमेंट है सम हैंड्स आर आईज और फोर्थ स्टेटमेंट नो हैंड इज आई, कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं हो जाएगा, बिकॉज हम लोग पहली फर्स्ट स्टेटमेंट को अगर रॉन्ग बोल रहे हैं तो रॉन्ग नहीं बोल रहे, सुनो सुनो बेटे 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 बेटे, रॉन्ग यहाँ राइट और रॉन्ग नहीं होता, यहाँ क्या होता है आप वो कंक्लूड कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट भी हम कंक्लूड नहीं कर पा रहे हैं और चौथा भी कंक्लूड नहीं, आईज के बारे में ईयर्स के अलावा किसी और के साथ रिलेशन कंक्लूड नहीं की जा सकती है, समझ में है बच्चे, यस सर, ठीक
क्या? हाँ, एक पुरुष की भी आवाज आई थी, बोलो बेटे। सर अभी आपने बोला कि हम ये कंक्लूड नहीं कर सकते कि हैंड और आई सेम है, तो फोर्थ वाला तो सही होना चाहिए। हाँ, अरे कैसे सही होना चाहिए? हो सकता है, देखो अभी मैंने क्या बोला, ये तीनों है ना, हो सकता है ये तीनों के तीनों आंख ही हो। ये भी तो हो सकता है कि जो आंख है वही हैंड भी है, वही लंग भी है और वही ईयर भी है, हो सकता है ना ऐसा। और ऐसा भी तो हो सकता है कुछ, देखो हमारे पास उस बारे में बात करने के लिए कोई कोई पुख्ता जानकारी है ही नहीं, इसलिए हम ये नहीं बोल रहे कि वो गलत है या सही है, हम ये बोल रहे हैं हम इस स्थिति में नहीं है कि उसको कंक्लूड कर सके। वी आर नॉट एट ऑल सेइंग, कहीं पूछा है क्या विच इज ट्रू विच इज फॉल्स, नहीं, वो ये बोल रहा है कौन कौन सी बातें आप फॉलो कर सकते हो जितनी जानकारी दी है उस हिसाब से। ठीक है, कुछ भी सही गलत नहीं होता बेटा, होता है कि जो आप बोल रहे हो वो आप फॉलो कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, इसलिए बोल रहा हूं सिलॉजिज्म को टाइम देना, और कुछ भी सिलॉजिज्म के समय सिर्फ कान खुला रखना, आंख खुली रखना और चीजों को पढ़ना और समझना, मान के चलना आपको दुनिया में कुछ नहीं पता है, तब सिलॉजिज्म का क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तब सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बढ़िया अच्छा खेल रहे हो। खेलो, मैं बिल्कुल 50 सेकंड तक कुछ नहीं बोलूंगा, खेलो आराम से। बढ़िया, लोगों ने बोलना शुरू किया, बढ़िया बढ़िया। बढ़िया खेल रहा, अच्छा खेल रहा, तो वही हुआ। ऑल क्लॉक्स आर वॉचेस, तो जितनी भी क्लॉक हैं वो वॉचेस की दुनिया में आती है, हाँ या ना। सम क्लॉक्स आर अलार्म, तो कुछ क्लॉक्स जो हैं वो अलार्म भी हैं। ठीक है, श्योर, तो सम अलार्म्स आर वॉचेस, सही है, ठीक, क्लियर, यस सर। ऑल वॉचेस आर अलार्म, नहीं, ये खाली दुनिया भी तो है, ये बात गलत है भाई, ये अब गलत है। ठीक है, सो ओनली वन फॉलोस, ठीक है, कोई दोस्त जिसको इसमें डाउट हो बोलो भाई, अब नहीं, यस मत सर, हम जिसको डाउट है वो बोलो, हाँ बोलो बेटा। सर हम ऐसा कह सकते हैं क्या कि ऑल अलार्म्स आर वॉचेस? नहीं कह सकते, ये मेरे को बड़ा बनाना था सर, आपने बनाया डायग्राम ऐसे है पर सम अलार्म्स वॉचेस के बाहर भी हो सकते हैं। हाँ, ये ऐसे बनाना था, बट आलस है ना, इंसान के आलस का क्या किया जाए बताओ, कुछ कर सकते हैं क्या? ठीक है, बढ़िया, नेक्स्ट, बढ़िया खेल रहे हो, अच्छा खेल रहे हो, अच्छा खेल रहे हो, अच्छा खेल रहे हो। सम पेन्स आर ग्लासेस, कुछ पेन और ग्लासेस सेम है, ये पेन हो गया, ये ग्लास हो गया, बट सारी की सारी जो ग्लास है वो दीवार है, तो सम वॉल्स आर पेन, बिल्कुल सही, सम वॉल्स आर ग्लास, बिल्कुल सही, दोनों सही हो गए, है ना। तो, मुझे ना एक रिलेशन नहीं समझ में आता है लॉजिज्म में, क्या बेटे? सर वो ये है जैसे सर होता है ना
कि सर हम कह सकते हैं कि हर रैशनल नंबर एक रियल नंबर है, बट हम ये नहीं कह सकते हैं कि हर रियल नंबर एक रैशनल नंबर है। हाँ बिल्कुल सही, इसी तरीके का प्रॉब्लम मुझे ना इससे भी आता है। हाँ जैसे अगर कोई बोलता, सुनो क्योंकि सर यहाँ पे हमें सिर्फ इतना बोला है कि हर हर जो हमारे ग्लासेस हैं वो वॉल्स है, बट सर वॉल को लेके तो कोई भी ऐसी बात नहीं बोली है ना। तो सही है ना, सी ऑल जी आर वॉल, यहाँ पे इसलिए ऑल नहीं लिखा बेटा, यहाँ क्या लिखा सम। तो जो जी वॉल है वही वॉल्स जी भी तो है, यानी यहाँ जो लोग खड़े हैं वो वॉल भी है और जी भी है, समझ रहे हैं? उन्हीं के बारे में बोला सर, ऑल उतार हम लोग इसको नहीं कंक्लूड करते हैं। हाँ, अगर वो बोलता ऑल वॉल्स आर जी तो बोलते नहीं नहीं ऐसे थोड़ी ना होता है, क्योंकि यहाँ पे ऐसी वॉल्स है जो जी नहीं है, आया ना? हाँ सर। बढ़िया बढ़िया, वेरी गुड। नेक्स्ट, अब आंसर आने शुरू हुए, आंसर आने शुरू हुए, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, अलग अलग आंसर आ रहे हैं भाई, 3, 4, 2। बढ़िया 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 बढ़िया, चलो देखते हैं। तो कहानी कहती है नो सिटीज आर कंट्री, सो सिटी ये हो गई और कंट्री ये हो गई, ठीक है, एंड नो कंट्री आर विलेज और विलेज हो गए। अब सिटी और विलेज के बारे में कोई रिलेशन नहीं दी हुई है, आया ना? क्लियर? सम कंट्रीज आर सिटी, बिल्कुल भी नहीं। नो विलेज आर सिटी, कह ही नहीं सकते, हमारे पास एविडेंस नहीं है कहने के लिए। यह गलत नहीं है, हम इस स्थिति में नहीं है कि हम कहें। क्लियर? सो नीदर वन नॉर टू फॉलोज। बढ़िया, किसी को शक है भाई इसमें? बात करो। यस सर, टू कैसे इनकरेक्ट होगा वो नहीं समझ। नो विलेजेस का सिटी समझ में। टू इनकरेक्ट नहीं है, देखो सिलोजिज्म में क्या होता है कि जरूरी नहीं है कि बात इनकरेक्ट हो, ये भी स्थिति हो सकती है कि आप वो बात कहने की स्थिति में ही नहीं, जैसे फर्स्ट बात कहने की स्थिति में हो वो एब्सोल्युटली इनकरेक्ट है। कोई सिटी कंट्री नहीं है और कोई कंट्री विलेज नहीं है तो सर नो विलेज सिटी भी नहीं होनी चाहिए। यस सर, वो तो यूज कर सकते हैं। सुनो सुनो, कंट्रियों की दुनिया अलग है, सिटी और विलेजेस में रिलेशन हो सकती है, तो कोई भी सिटी कंट्री नहीं है सही है, कोई भी कंट्री विलेज नहीं है सही है, लेकिन कोई सिटी और विलेज हो सकते हैं ना सेम, क्या प्रॉब्लम है? अगर फर्स्ट सेकंड से रिलेटेड और सेकंड थर्ड से नहीं, कोई दिमाग, फिर से वही, कोई दिमाग नहीं लगाना है सिलोजिज्म में, दिमाग नहीं लगाना है, इंफॉर्मेशन पे खेलना है, अज्यूम नहीं करना है। अगर बन जाए वेन डायग्राम में तो अलग बात है। फिर से सिलोजिज्म में बस यही एक ट्रिकी सिनेरियो है कि आप अज्यूम ना कर ले जाओ चीजों। ठीक है भाई, दोस्तों समझ में आया? यस यस सर।
आंसर आने शुरू हो रहे हैं, आंसर आने शुरू हो रहे हैं। बढ़िया, तो ऑल कप्स आर पेंसिल, ठीक है, पेंसिल की दुनिया में बहुत सारे कप रखे। सम पेंसिल्स आर पेन, कप और पेन के बारे में कुछ नहीं कहा किसी ने, तो सम पेंसिल्स आर कप्स बिल्कुल सही है। नो पेंसिल्स आर कप्स, गलत बात। सम कप्स आर पेन, कप और पेन के बारे में किसी ने कुछ बोला ही नहीं मुझसे, कुछ बोला ही नहीं, बताया नहीं आपने मेरे को, तो ओनली वन फॉलो, ठीक है। हाँ बेटा बोलो सर, सर ऐसा नहीं बोल, आप जो बता रहे कि कप्स जो है वो पेंसिल है और पेंसिल थोड़े पेंसिल जो है वो पेन से, तो फिर हम ये क्यों नहीं बोल सकते थोड़े कप्स पेन से? क्योंकि उसके लिए आपको एज्यूम करना पड़ेगा, क्या कोई जानकारी दी हुई है? फिर आप तो उल्टा भी तो बोल सकते हो ना, जो ये भी स्थिति हो सकती है और ये भी स्थिति हो सकती है कप और पेन के बीच में, बट आपके पास कोई सबूत नहीं है ना इस बात का, बात समझ रहे हो बेटा? सबूतों के अभाव में आप बोल रहे हो कि हम कुछ नहीं कह सकते। यस सर। क्लियर? यस सर। गुड। आंसर आने शुरू हो रहे भैया, आंसर आने शुरू हो रहे, आंसर आने शुरू हो रहे। फिर से, ऑल फ्रूट्स आर लीव्स, ठीक है, तो लीव्स की दुनिया में कुछ फ्रूट्स ऐसे हैं। सम फ्रूट्स आर ग्रेप्स, कुछ फ्रूट्स जो है वो ग्रेप्स के भी है, तो वो ग्रेप लीफ के बाहर भी हो सकता है, लीफ में भी हो सकता है, ठीक है। सम लीव्स आर ग्रेप, सही है, वो लीफ एटलीस्ट है, ये एटलीस्ट वो लीव्स जो फ्रूट है वो ग्रेप्स भी है, हाँ ना। ऑल ग्रेप्स आर फ्रूट्स, सारे ग्रेप फ्रूट नहीं है, कुछ ही ग्रेप फ्रूट है। आई एम ओनली वन फॉलोअर्स, वेरी वेरी, शाबाश शाबाश शाबाश, चमक गया। किसी को कोई डाउट है बताओ अभी बोलो। नो ओके अब ये हो गया हमारा सिलोजिज्म खत्म, ठीक है, सही है, कोई शक? पक्का? नहीं, बढ़िया बढ़िया। आज है वेंसडे, ठीक है, ओके, फ्राइडे को आपका मेंटी होगा, ठीक है। किस किस टॉपिक पर होगा वो आपको पता है, अभी तक जो कुछ भी हुआ है सब में हो जाएगा, क्लियर? शो यस, पहले तो हफ्ते में दो बार होता। क्या बेटे? सर पहले तो हफ्ते में दो बार होता सर। हाँ
सर आप एक टॉपिक एक बार फिर से बता सकते हैं क्या वो यूनिट डिजिट निकालने वाला है? हाँ, यूनिट डिजिट वाला अभी कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं कोडिंग डिकोडिंग शुरू करने वाला था, कोई बात नहीं, यूनिट डिजिट फिर से कर लेते हैं, ठीक है? सर वो क्यूब्स एंड डाइसेस वाला भी, क्यूब्स एंड डाइसेस फिर से कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों कर लेते फिर से, ठीक है? बढ़िया, और कुछ सर? वो क्यूब्स एंड डाइसेस में वो पेंट वाला, क्यूब्स और डाइस को पेंट करने वाला? यस सर। बढ़िया, ये अच्छी बात हो गई, और बोलो। क्लॉक्स एंड कैलेंडर की तो मेरे पास बहुत दिन से रह गए, रिक्वेस्ट पेंडिंग है ना, क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स भी कर लेंगे। यस। तो एक मिनट मैं लिख लेता हूँ बेटा, ठीक है? तो क्यूब्स एंड डाइसेस बोथ डाई एंड पेंट, है ना, क्लियर? इसके बाद क्लॉक एंड कैलेंडर, राइट? इसके बाद किसी ने और भी एक बोला था मुझसे, यूनिट डिजिट तो मैं अब भी कर रहा हूं, ठीक है? शुरू, और कुछ बेटा? पक्का? चलो तो यूनिट डिजिट से शुरुआत करते हैं, बिल्कुल आराम से सुनना बात। देखो, अगर मैं दो नंबर लिखूं, 112 और 93, और बोलूं इन्हें ऐड करो, फिर मैं लिखूं 1002 और 9113 और बोलूं इन्हें ऐड करो, ठीक है? इसके बाद इन्हीं दोनों नंबर को बोलूं मैं सब्ट्रैक्ट करो, इसके बाद इन्हीं दोनों नंबर को बोलूं मैं मल्टीप्लाई करो, तो क्या देखने को मिलेगा? इन दोनों को ऐड करने पर यहां 5 आएगा, यहां कुछ ना कुछ लिखा होगा, इन दोनों को ऐड करने पर ये भी यहां 5 ही आएगा और यहां कुछ ना कुछ लिखा होगा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पर यहां 9 आएगा, आगे कुछ ना कुछ लिखा होगा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पर भी यहां 9 आएगा, आगे कुछ ना कुछ लिखा होगा, इसी तरह से इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आगे यहां 6 आएगा और आगे कुछ ना कुछ लिखा होगा, और यहां पर भी बहुत कुछ लिखा होगा लेकिन लास्ट में 6 ही आएगा। हाँ या ना? क्यों? यस सर। सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लीकेशन ऐसी प्रोसेसेस है जो यूनिट डिजिट से ही स्टार्ट होती है हमेशा, इसलिए मल्टीपल रिपीटिशंस में पेयर के लिए आंसर सेम रहता है, नंबर के लिए नहीं रहता है। यदि पूरे नंबर का आंसर निकालूंगा तो अलग बात है, लेकिन जो यूनिट पेयर रहेगा उसके आगे कुछ भी लिखा हो आंसर सेम ही रहेगा, यस और नो? इसीलिए किसी ने कहा कि यार इस पर ना लॉजिकल सिनेरियो बनेगा, ये मैथमेटिकल सिनेरियो नहीं है, ये क्या है? लॉजिकल सिनारियो, लॉजिकल सिनारियो इस पे बनाया जा सकता है, ठीक है? और यहां से शुरुआत हुई एक नए टाइप के क्वेश्चन की, जिसे कहते हैं फाइंडिंग द यूनिट डिजिट, फाइंडिंग द डिजिट एट यूनिट प्लेस। समझ में आया? अब इसमें मेजॉरिटीली जो क्वेश्चन आते हैं वो डरावने दिखने वाले आते हैं, डरावने मतलब मैं बोलूं 42 की पावर 182 है भैया, अब बोलो तो मन घबराएगा, लेकिन अगर लॉजिक पता है कि यार सुनो मुझे सिर्फ 2 से मतलब है, तो ये पता है कि यार 2 की पावर 1 का मतलब एक्सपेंशन 2 होता है, 2 की पावर 2 का एक्सपेंशन 4 होता है, 2 की पावर 3 का एक्सपेंशन 8 होता है, और 2 की पावर 4 का एक्सपेंशन 6 होता है। इसके बाद जब 2 की पावर 5 लिखता हूं तो फिर से 2 आता है, मतलब वही चीजें रिपीट हो रही है। इसका मतलब मुझे बस ये याद भी नहीं रखना है, बस ये ख्याल करना है कि जो भी पावर दी हुई हो उसको 4 से डिवाइड करके रिमेनिंग साइकिल निकाल लो। तो 4 से डिवाइड करने पर 4 4s are 16, 4 5s are 20, रिमाइंडर बच जाएगा 2।
इसका मतलब आंसर होगा 2 की पावर 2 में जो होता है यानी कि 4. एवरीवन गॉट इट? मैं ये 2486 का क्या मतलब है बेटे? राजस्वा 6 का क्या मतलब है बेटे? तो अगर रिमेंडर 0 आएगा तो हम लोग क्या लेंगे? क्या बेटे? सर अगर रिमेंडर 0 आएगा तो? रिमेंडर का 0 आना या 4 आना सेम बात है ना? 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आए या 4 आए, बातें सेम है कि नहीं है? एक्सक्यूज मी सर. हाँ बेटा बोलो. सर डिवाइड करने के बाद क्या करेंगे एक बार प्लीज फिर से? रिमाइंडर डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर निकालेंगे, जो रिमाइंडर होता है 2 को उसी पावर में मान लेंगे. ठीक है, जैसे यहाँ पर रिमाइंडर 2 था तो हमने मान लिया 2 की पावर 2 है और आंसर 4 आ गया. मान लीजिए लिखा होता 102 टू दी पावर 35, तो आप बोलते सर डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आ रहा है? 3. तो हम मान लेंगे सर 2 की पावर 3 है, तो आंसर हो जाएगा 8. क्लियर सर? स्टैंडर्ड हमेशा 2 ही रहेगा क्या बेटे? सर पावर में सिर्फ 2 ही रहेगा. नहीं 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 नहीं, ऐसा किसने बोला? ये मैं 2 का केस समझा रहा हूं, ऐसे 9 के 10 डिजिट्स के लिए. ठीक है, तो आपको पता है, क्या पता है कि 0 1 और 5 और 6 ये 4 ऐसे डिजिट है जिनमें कोई चेंज नहीं होता. हाँ या ना? क्लियर? पावर कुछ भी कर लो यूनिट डिजिट वही रहेगी जो ये खुद है. यानी 100 की पावर में कुछ भी लिख दो यहां पर, कोई भी नंबर, यूनिट डिजिट में हमेशा 0 ही आएगा. 401 की पावर में कुछ भी लिख दो यहां पर, यूनिट डिजिट में हमेशा 1 ही आएगा. कोई भी नंबर लिखा हो और लास्ट में 5 लिखा हो, पावर में कुछ भी लिख दो, यूनिट डिजिट हमेशा 5 ही आएगा. कुछ भी लिखा हो, लास्ट में 6 लिखा और पावर कुछ भी लिखी हो, यूनिट डिजिट हमेशा 6 ही आएगा. यस और नो? बात समझते हो? यस सर. यस सर. यस. हाँ तो यस बेटा, क्रिप्ट अरिथमेटिक प्रॉब्लम्स वत्सल, एक बार और समझनी है वो चीजें, क्लैरिफिकेशन करनी है. यस सर. सर उसपे और प्रॉब्लम्स थोड़ा बता दीजिए. क्रिप्ट भाई लोगों घबराओ मत, क्रिप्ट अरिथमेटिक मतलब कुछ नहीं होता, आर्टिफिशियल मैथमेटिक्स बोलते हैं उसको, नेचुरल मैथमेटिक्स. की प्रैक्टिस लिख देता हूं बस मैं, क्या बोलते हो? है ना वत्सल? तो ये एक चीज हो गई, एक सेट ये बन गया काम का. ऐसे ही 4 से डिवाइड होने वाले नंबर्स हैं, उससे पहले 2 से डिवाइड होने वाला है. 4 और 9 ये दो ऐसे नंबर हैं जिनकी ऑड पावर और इवन पावर देखकर ही काम चल जाता है. 4 की अगर ऑड पावर होगी, आगे कुछ भी लिखा हो, ठीक है, सॉरी गलत जगह लगा दिया, ठीक है, अगर ऑड पावर है तो यूनिट डिजिट पे 4 ही आएगा, अगर इवन पावर है तो यूनिट डिजिट में 6 आएगा. इसी तरीके से 9 के आगे कुछ भी लिखा हो, अगर ऑड पावर है तो 9 ही आएगा, अगर इवन पावर है तो 9 के आगे कुछ भी लिखा हो, यूनिट 1 आएगा. क्लियर? बात समझ में आ रही है मेरे दोस्तों? आए ना? यस. पक्का? बढ़िया. इसी तरीके से फिर 4 से डिवाइड होने वाले नंबर हैं 2, 3, 7 और 8. क्लियर? जैसा आपने 2 के साथ सीखा है वही सेम 3, 7 और 8 के साथ भी लागू होता है. क्लियर? श्योर?
क्वेश्चन देता हूं, फाइंड द यूनिट डिजिट इन द एक्सपेंशन ऑफ बोलो। तो आपको दिमाग में बुलबुले चलने चाहिए कि थ्री किस कैटेगरी का है और वन किस कैटेगरी का है, ठीक है। तो थ्री की कैटेगरी है फोर से डिवाइड होने वाली, 41 को फोर से डिवाइड करो रिमाइंडर वन आएगा, तो आंसर हो जाएगा थ्री की पावर वन यानी कि थ्री। वन की कैटेगरी है नो चेंज वाली, तो पावर में कुछ भी लिखा हो हमेशा वन ही आएगा, तो इनको ऐड कर देंगे तो आंसर कितना आएगा। अगर यहीं पर सब्ट्रैक्ट लगा होता तो कितना आंसर आता, टू। अगर यहीं पर मल्टीप्लीकेशन लगा होता तो कितना आंसर आता, थ्री। एवरीवन गॉट इट? चमक रहा है, चमक रहा है, चमक रहा है, चमक रहा है। वेरी गुड, शाबाश 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 शाबाश। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पकड़ेंगे, ठीक है। क्वेश्चन, फाइंड द यूनिट डिजिट इन द एक्सपेंशन ऑफ 147 टू द पावर 307 माइनस 23 टू द पावर 147। बड़ी आराम से टाइम लेके कर रहे हो सॉल्व, आंसर भी आ रहा है, बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर। कुछ लोगों ने आंसर भेज दिया है। बहुत सारे आंसर आ गए। तो फिर से सेवन किस कैटेगरी का है, सेवन फोर से डिवाइड करने वाली कैटेगरी का, ठीक है। तो यहां रिमाइंडर बच जाएगा तीन। 7 टू द पावर 3 में क्या होता है, 343। और 3 किस कैटेगरी का है, 3 भी 4 से डिवाइड करने वाली कैटेगरी का है। यहां भी रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 3 आया ना। 3 की पावर 3 होता है 27। इसको जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो काम है, क्या ये 13 बन के सब्ट्रैक्ट होगा, इसलिए आंसर 6 आएगा, 4 मत लिख देना। क्लियर? Sure. Sir, can you please explain this one again? फिर से बेटा, क्या आप 3 और 7 तक पहुंच चुके हो? Sorry sir, can you please repeat? क्या आप 3 और 7 तक पहुंच चुके हो कि ये 7 देगा और ये 3 देगा, आया ना? So I've not understood the last step that you did. You said 13. That's what, bache. You have successfully landed up to the conclusion that this expands with the unit digit as 3 and this expands with the unit digit as 7, right or not? Now you are looking for the subtraction part, right? Yes. In that case, please understand there are many numbers in front of this. There are many numbers in front of this. Let's consider. Yes or no? Clear? There are numbers and all, right? Surely you can see that this is greater than this, obviously, right or not? Yes, sir. When you subtract, beta, to yahan par 7 likha hoga. Aap kya karoge? Yahan se kuch carry loge. Ye 13 banega. 13 mein se 7 jayega. Yahan 6 aayega. Aage ki ghatna hoti rahegi. Yes or no? Hence, the unit digit is 6. Yeah. Got it? Yes. Sure. That is what is very important, beta. Okay. Addition and multiplication are easy deliveries. Subtraction at times gets dicey. Okay. Sir. हाँ बेटे बोलो. Sir, if the power comes very high, so we have to calculate the whole power.
नो अरे राजी कैसी बात कर दी बेटा, कहाँ कर रहे हैं, कर रहे हैं क्या, कैलकुलेट कर रहे हैं क्या, एक भी जगह पावर को कैलकुलेट किया क्या हमने? सर 7 के क्यूब में 343 करके 3 यूनिट डिजिट पर लाइन। नो अरे तो दैट्स आई स्टेटेड यार, यू रिमेंबर इट, 7 टू द पावर 1 इज व्हाट आर द हाईएस्ट पावर, यू विल गेट हाईएस्ट एज 4 ना, बियॉन्ड 4 तो यू आर नॉट इवन कैलकुलेट, 7 वंस इज 7, 7 टूज आर 9, 7 थ्रीज आर 3 एंड 7 फोर्स आर यस और नो 1 राइट। रोनित हम क्यों डिवाइड कर रहे हैं 4 से बेटा, क्योंकि 4 के बाद सेम पैटर्न रिपीट हो रहा है इन 4 नंबर्स। कौन कौन से वो नंबर है, 2 में, 3 में, 7 में और 8 में। जैसे देखो 8 को पकड़ लेते हैं, ठीक है, थोड़ी देर 8 के साथ बात करके देखते हैं। ओके 8 के साथ बात करने से हमें क्या मिल रहा है, 8 के साथ बात करने से हमें समझ में आ रहा है कि 8 की पावर 1 लिखेंगे तो 8 आ जाएगा, 8 की पावर 2 लिखेंगे तो 64 का 4 आ जाएगा, 8 की पावर 3 लिखेंगे तो है ना 512 का 2 आ जाएगा, 8 की पावर 4 लिखेंगे तो 6 आ जाएगा, 8 की पावर 5 लिखने के लिए मैं तैयार हूं, आलस नहीं है मुझे, लेकिन ये 8 आ रहा है घूम के, इसके बाद फिर से ही आएगा, फिर से ही आएगा। इसका मतलब 4 स्टेप्स के बाद साइकिल रिपीट हो रही है, तो व्हाट वी डू इज वी काउंट द नंबर ऑफ रिपीटेड साइकिल्स, उनको एलिमिनेट कर देते हैं, है ना। क्वेश्चन की बारे में बात नहीं कर रहे ना हम, हम तो सीधे रिमाइंडर क्या बच गया उसको देखो, क्लियर एवरीवन? जी आई गॉट इट रोनित, अंडरस्टूड अंडरस्टूड, ठीक है। आचल 13 क्यों हुआ, फिर से सोचो, 13 नहीं हुआ यहां, अगर मैं आपसे बोलता बेटा 53 में से 17 सब्ट्रैक्ट करो तो आप क्या करते, ऐसा करते ना राइट, ये उसके कारण। तो 3 के आगे बहुत सारे नंबर लिखे हुए हैं, 7 के आगे बहुत सारे नंबर लिखे हुए हैं, ठीक है, यस सर, समझ में आया, बढ़िया। एक क्वेश्चन करेंगे सभी लोग फटाफट, ये क्या हो गया, ये मेरी स्क्रीन में चिपक के क्यों रह गया, चलो फटाफट देखो क्या हो रहा है। यहां पर देखोगे तुम तो ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, गड़बड़ नहीं करना। 48 इंटू 37 टू द पावर 11 माइनस 18 इंटू 12 टू द पावर 15, फटाफट यूनिट डिजिट बताओ और तेजी से बताना, ऐसा आलस नहीं चाहिए, बिल्कुल फटाफट बताए, खत्म। शाबाश 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 शाबाश, वेरी गुड। 7 8s are 56, 6 के साथ कुछ भी करो 6 ही आता है, 2 8s are 16, 6 के साथ कुछ भी करो 6 ही आता है, सब्ट्रैक्शन करोगे सब तो आगे पीछे कुछ लिखा होगा लेकिन लास्ट डिजिट तो 0 ही आएगी, क्या बोलती है पब्लिक, आया ना बात समझ में आ गई बात? सर आपने पहले 37 टू द पावर 11 क्या, सर वो जो 11 है वो दोनों के मल्टीप्लाइड का पावर है, हाँ ब्रैकेट लगा हुआ है ना बेटा। सर आपने अंदर क्या किया एक बार बता दीजिए। हाँ बेटा देखो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो यूनिट डिजिट 6 आएगी, 7 8s are 56, यस और नो? यस और नो? हाँ सर प्रेप रूम में, हाँ सर ऑल सेट, हाँ आगे, हाँ चलो
तो समझ में आया क्या हो रहा था? सर वी आर अनेबल टू सी. हां यस सर. बेटा स्क्रीन रुक गई, नो प्रॉब्लम. हो गया, वैसे मैंने एक्सप्लेन कर दिया. ठीक है, समझ में आया ना? सो वहां सेवन सर पर आपकी वॉइस चली गई थी. हाँ ठीक है बच्चे, मैं अभी ना स्क्रीन शेयर कर नहीं पाऊंगा डिस्कनेक्शन के कारण, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, या अगर तुम लोगों के पास क्वेश्चन लिखा हो तो पहले ब्रैकेट में 7 8 56 हुआ था, तो यूनिट डिजिट थी 6, 6 की कुछ भी पावर हो 11 लिखा हुआ था, है ना, उसमें क्या होता है आंसर 6 ही आएगा. दूसरे ब्रैकेट में 8 into 2 था 16, 6, राइट और नॉट, उसकी कुछ भी पावर हो आंसर 6 ही आएगा. तो दोनों 6 का जब सब्ट्रैक्शन होगा तो क्या आंसर आएगा? 0 आएगा. गॉट इट? यस सर. चलो ठीक है, ठीक है, चलो बाय 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 बाय. एक्सक्यूज मी सर. हाँ बेटे बोलो. सर कैन यू प्लीज ऑल द क्लास रिकॉर्डिंग्स. हाँ बेटे, आई अपलोड देम टुडे. ओके, डोंट वरी. ओके सर. थैंक यू सर. बाय सर.